प्रस्तावों पर मंजूरी मिली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है और कई ऐसे अहम प्रस्ताव जिनको मंजूरी मिल गई। इसमें कुल सिंचाई होगी 6.17 लाख हेक्टर में। एक बहुत बड़ी योजना है ये। मुझे याद आ रहा है कि जब हम 2003 में सरकार में आए थे तो मध्य प्रदेश की सिंचाई क्षमता ही 6 लाख हेक्टर थी। आज सिर्फ इस योजना से ही 6,17,000 हेक्टर मध्य प्रदेश में सिंचाई होगी, जिससे कि मतलब दोनों ही राज्यों के किसानों को इसका लाभ होगा। लगभग मध्य प्रदेश में 3.37 लाख और राजस्थान में 2.80 लाख हेक्टर। मैं फिर से एक बार मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। आज के एजेंडे में साधारणतया तो बहुत विशेष कोई विषय नहीं था जिसमें आपकी चर्चा की जाए, पर हाँ, रीवा में जो हमारा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसके उसके विस्तार के लिए लगभग 160 करोड़ का खर्च किया गया, स्वीकृति दी है, और मुझे लगता है कि 164 करोड़ की, और इससे रीवा क्षेत्र के अंदर जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन रहा है उसके विस्तार में वहाँ के लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि सब शहडोल और रीवा संभाग का एक सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वही है, उसका लाभ उन्हें मिलेगा। मध्य प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना हमारे प्रदेश में चल रही है, जिसमें हमारे प्रदेश के नौजवानों ने स्टार्टअप में देश में एक अच्छा उच्चतम स्थान बनाया है, पर उनकी एक समस्या थी कि जब भी वो अपने प्रेजेंटेशन को लेकर कहीं जाते थे तो अन्य राज्यों में उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलता था, हमारे यहाँ नहीं मिलता था। तो हमारी आज कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि जो स्टार्टअप के जितने भी जो स्टार्टअप के जितने भी लोग हैं जो अगर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भाग लेना चाहते हैं तो उन्हें अगर राष्ट्रीय इसमें लेना है तो 50,000 रुपये तक की प्रतिपूर्ति सरकार देगी, और यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी आयोजन में भाग लेना चाहेंगे तो 1.5 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति सरकार देगी। यह स्टार्टअप साल में एक वित्तीय वर्ष में एक बार दिया जाएगा, वो पूरे उनके कार्यकाल में 2 बार से अधिक नहीं दिया जाएगा। आज के कैबिनेट में बस बाकी प्रशासनिक निर्णय थे जिसका कि उल्लेख करना कोई ज़रूरी नहीं है, पर मैं एक बार फिर से आज की कैबिनेट में जो 2 महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है, एक तो सड़क का विकास और एक सिंचाई की योजना है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद।